औरतों का कुछ और ही कहना है और वो अपने प्रधानमंत्री अपनी भाषा में अपनी बात से कुछ संदेश देना चाहती हैं। आपका नाम बताइए और आप क्या बात कहना चाहती हैं? मेरा नाम साबिया खातून है। मैं कहना चाहती हूँ कि जब मोदी नरेंद्र मोदी ने हमसे राखी बंधवाई थी तो वो कहते थे हम मेरी मुस्लिम सिस्टर्स हैं, हमारी मुसलमान बहनें हैं, और आज वो राखी का वादा क्यों नहीं निभा रहे हैं? क्यों नहीं कहते कि हाँ मैं राखी की रक्षा करूंगा? हिंदुओं में तो कहा जाता है कि हम राखी जो हमारी बहन होती है हम उसकी सुरक्षा करेंगे, तो आज वो बहनों की सुरक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं? कहाँ गई वो राखी के वादे, कहाँ गए? इन्हीं बहनों में ट्रिपल तलाक के मुद्दे पे वोट दे के जिताए? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम हमने जिताया भी है तो ये है कि उसने थोड़ा तो सोचा था कि लड़कियां हैं, औरतें हैं, कि वो सही करेंगी गलत करेंगी, उनके साथ तो उल्टा गलत कर रहे हैं ना। फिर ये उन्होंने तो एक भरोसा करा था, चला ये इंसान इन औरतों के लिए सही कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा सही क्या कर दिया, फिर उसके बाद इतना बुरा कर रहे हैं, उनके खून के आंसू ला रहे हैं। सरकार पहले अंधे हैं, उसको नजर नहीं आता, टीवी नहीं देखते, पढ़ते नहीं, हर चीज के पास है। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं देश विरोधी नारे लगते हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? देश विरोधी नहीं नारे लगते हैं, सभी देश विरोधी नारा नहीं लग रहा है। और अमित शाह की जहां तक बात है, वो हमारे पीएम नहीं है, वो हमारे पीएम नहीं है, और वो हमारे फैसले ना करे तो अच्छा है। जहां दिल्ली पुलिस और गृह मंत्रालय उनके पास है, गृह मंत्रालय तो वो हक में करे, ये ना हक वाली बात ना करे तो अच्छा होगा उनके लिए। एक सवाल पूछ सकती हूँ, जैसे कि किसी के माँ बाप है, उसे बेचारे बचपन में जन्म दे के मार देते, मर गए, उसके माँ बाप बेचारा कैसे पला, कभी जंगलों में जाके पला, कभी किसी चीज में, वो अपने प्रूफ बनवाएगा शादी के बाद जाके, क्योंकि बीवी उसकी आ जाएगी तब जाके बनवाएगा, या वो अपने काम धाम में इतना लगा रहेगा, वो पेपर कहाँ से लाएगा? मेरे मामा के पास तो किसी के पास नहीं, क्योंकि मेरे नानू खत्म हो गए, मेरे नानू के माँ बाप 2.5 साल के दोनों खत्म हो चुके, तो वो प्रूफ नहीं बन पाए। अब मेरे मामा कहाँ से लाएंगे 70 साल के? वो तो उनके माता पिता नहीं, मेरे मामा के ना माँ है ना बाप है, तो वो प्रूफ कहाँ से लाएंगे? उन्हें तो ये भी पता नहीं मेरे माँ का, मेरे बाप का जन्म कहाँ हुआ था, कहाँ के रहने वाले थे, आज दिल्ली में कल लखनऊ का, परसों कहाँ, फिर कहाँ से प्रूफ लाएंगे? अभी तक कोई नहीं आया, कब तक आप लोग टिके रहो? सांस में सांस है तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे, जब तक एनसीएससी है या एनपीआर नहीं लौटा देते तो हम यहाँ पे रहेंगे। आपकी बार बीजेपी आ गई दिखाए, साफ साफ तौर पर यहाँ की महिलाओं को कहना है कि जब तक हमारी सांस में सांस रहेगा, भले ही कोई सरकारी आदमी यहाँ नहीं आ रहा है, भले ही उनको संवाद स्थापित नहीं कर रहा है उनसे, लेकिन हम यहाँ आते रहेंगे। नमस्कार, देखते रहिए दिशा ने पोस्ट।